हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम सब? आई होप यू आर परफेक्टली फाइन और तुम्हारी लाइफ बिल्कुल सेट चल रही होगी। तो यार, लाइफ से मुझे याद आया, हम इंडियंस भी कितने अजीब है ना। हमारे यहाँ नॉन लिविंग थिंग्स तक की लाइफ साइकिल पूरी फिक्स है। फॉर एग्जांपल, हम एक नई टी शर्ट खरीदते हैं तो इनिशियली शुरू में तो हम उसे सिर्फ और सिर्फ पार्टीज के लिए पहनते हैं। कुछ टाइम बाद वो हमारा नाइट सूट बन जाता है और कुछ टाइम बाद फिर वो हमारी टी शर्ट बन जाती है पोछा। तो जिस तरीके से हम एक टी शर्ट को एक पार्टी वियर ड्रेस से पोछे तक का सफर तय कराते हैं, उसी तरीके से जो हमारी टी शर्ट्स होती है उन्हें रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट तक कन्वर्ट करने का सफर एक टेक्सटाइल इंजीनियर कराता है। समझ रहे हो ना, आज का वीडियो इसी बारे में। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहना, क्योंकि वीडियो के अंत तक तुम्हें टेक्सटाइल इंजीनियर के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। तुम्हें पता चल जाएगा कि टेक्सटाइल इंजीनियरिंग क्या है, कैसे करनी है और क्या तुम्हें टेक्सटाइल इंजीनियरिंग करनी चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार, कमेंट बॉक्स में जाके अपने विचार प्रकट करें और बताएं कि आपने आगे क्या करने का सोचा है, और अगर जो भी सोचा है तो उसके पीछे का रीजन भी जरूर बताना। सो वेलकम बैक टू अवर चैनल करियर व्यास, द वन स्टॉप सॉल्यूशन टू ऑल योर करियर एंड कॉलेज रिलेटेड क्वेरीज। और आज का ये वीडियो होने वाला है ऑल अबाउट टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। हर इंसान अपनी ब्रांच चूज करने से पहले ये जरूर सोचता है कि आज से 4 साल बाद जब वो काम कर रहा होगा तो किस एनवायरमेंट में काम कर रहा होगा। कुछ लोग सोचते हैं कि यार, मैं 4 साल बाद एक बड़ी सी बिल्डिंग में एक एसी ऑफिस में बैठा होऊंगा। कुछ लोग सोचते हैं कि यार, मैं मशीन्स के बीच में लोगों को सुपरवाइज कर रहा होऊंगा, या फिर मिल्स के बीच में काम कर रहा होऊंगा, या फिर केमिकल से खेल रहा होऊंगा। तो यार, अगर तुमने अपने आप को लास्ट 2 थिंग्स में इमेजिन कराया ना, तो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग तुम्हारे लिए ही बनी है। तो यार, अब बात करते हैं कि आखिर एक टेक्सटाइल इंजीनियर बनना कैसे है। तो कोई भी ऐसी मंजिल नहीं है जिस तक पहुँचने का रास्ता ना हो। तो टेक्सटाइल इंजीनियर बनने की जो मंजिल है, वहाँ तक पहुँचने का जो रोड मैप है, वो मैं तुम्हारे साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। अपनी नोटबुक्स निकालो और ध्यान से नोट करना चालू कर दो। तो सबसे पहले यार, तुम्हें अपना 10th एग्ज़ाम क्लियर करना है, फिर 11th 12th साइंस साइड से क्लियर कर लेना है। इसके बाद जो भी इंस्टीट्यूट इस फील्ड को ऑफर करते हैं, उसमें बीटेक करने के लिए कोई भी इंस्टीट्यूट हो सकता है, IIT, NIT या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए आप JEE मेंस, JEE एडवांस या फिर JNU जैसे एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो। फिर यहाँ से बीटेक कर लेने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं यार, या तो तुम जॉब कर लो या तो तुम एमटेक कर लो। तो एमटेक करने के लिए यार, तुम्हारे पास गेट एग्ज़ाम है, गेट एग्ज़ाम दो और एमटेक किसी भी अच्छे कॉलेज से टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में कर लो। एमटेक करने के बाद फिर से 2 रास्ते हैं। एमटेक करने के बाद 2 रास्ते जो हैं वो ये हैं कि या तो फिर से यार जॉब कर लो, या फिर तुम रिसर्च में जाके नए फैब्रिक्स बना लो। अब यार, एक चीज़ बता दूँ, इस फील्ड को करने के लिए कोई एज रिस्ट्रिक्शंस तो है नहीं, तो किसी भी एज में यार तुम ये फील्ड चूज़ कर सकते हो, इसमें बीटेक एमटेक वगैरह कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं यार, तो जैसे कॉलेजेस की इंडिया के अंदर जिनमें रह के तुम इस ब्रांच में अच्छा स्कोप हासिल कर सकते हो। तो कुछ इंस्टीट्यूट जिनका नाम मैं बता रहा हूँ वो हैं श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय इंदौर, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई, अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई, NIT जलंधर, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल मैनेजमेंट तमिलनाडु, कॉलेज ऑफ टेक्सटाइल इंजीनियरिंग वेस्ट बंगाल एंड पिट्स पिलानी। तो यार, अब बात करते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ टेक्सटाइल इंजीनियर। तो देखो यार, अगर तुम एक टेक्सटाइल इंजीनियर हो तो हम तुमसे कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे, लेकिन अगर तुम इनोवेशन की लाइन पे हो, अगर तुम रिसर्च वर्क की लाइन पे हो, तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मटेरियल में क्या क्या कमियां हैं, उन्हें कैसे दूर करना है, ये जान लेना तुम्हारा काम है। नए फैब्रिक्स को डेवलप करना, जो फैब्रिक्स तुम इन्वेंट करने वाले हो उनका सोसाइटी पे क्या इफेक्ट होगा, क्या ये इनोवेशन टेक्सटाइल मार्केट को बदल सकता है, ये सब सोचना भी यार तुम्हारा ही काम होने वाला है। बार्गेनिंग भी तुम्हें आनी चाहिए, क्योंकि देखो, कोई भी प्रोडक्ट को अच्छे दाम पे एक कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस पे लोगों तक पहुंचाने के लिए बार्गेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और आफ्टर ऑल रिसोर्सेज एन इकोनॉमी इसी से सेव होंगे। मटेरियल के अलावा यार, जो मशीन्स प्रोडक्शन में हेल्प करने वाली है उनके डेवलपमेंट के बारे में भी तुम्हें सोचना है। ऐसी मशीन्स की डेवलपमेंट जो कि हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट को ईजी बना दें, वो मशीन्स की डेवलपमेंट का काम तुम्हें ही करना। तो यार, इतना सब कुछ सुन लेने के बाद तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारे कंधों पे तो ओवरऑल 100% से भी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देने का लोड रहने वाला है। यार, वो तो हर नौकरी में रहेगा ही यार। तो चलो, अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ चूजिंग टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। तो यार, सबसे पहले, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग इज अ एवरग्रीन ब्रांच। भाई, कल की जनता भी कपड़े पहनती थी, आज की जनता भी पहन रही है, आने वाली जनता भी पहनेगी। तो यार, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के स्कोप से रिलेटेड तो सवाल हमारे पास होने ही नहीं चाहिए। जब तक सूरज चांद रहेगा, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का नाम और काम दोनों रहेगा। नाउअडेज स्टार्टअप एंड टेक्सटाइल इंजीनियरिंग आर ऑल्सो वेरी कॉमन। जो भी इंसान टेक्सटाइल इंजीनियरिंग करके निकल रहा है, उसे प्रोडक्टिविटी के बारे में, उसे इनपुट आउटपुट मार्केटिंग ऑपरेशंस के बारे में इतना नॉलेज होता है दैट इज ऑलरेडी रेडी टू सेट अप अ बिजनेस। तीसरी चीज़ यार, आज के टाइम पे ना, जहाँ हर जगह टेक कंपनीज में जाने के लिए लोग कोडिंग पे कोडिंग कर रहे हैं, टेक कंपनीज में जाने के लिए इतनी भीड़ लगी हुई है, वहाँ टेक्सटाइल में कॉम्पिटिशन बहुत कम है। तो तुम्हारे पास जॉब सिक्योरिटी रहने वाली है, और
कम लोगों में यार बादशाह तो तुम ही रहने वाले हो। तो यार अब तक का जो हमारा डिस्कशन हुआ है उसको जान के तुम कई लोग तो ये सोच रहे होगे कि क्या टेक्सटाइल इंजीनियर सिर्फ और सिर्फ फैब्रिक के डेवलपमेंट में ही काम करता है। नहीं यार, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक टेक्सटाइल इंजीनियर के और भी बहुत रोल्स होते हैं। एक कुछ टेक्सटाइल इंजीनियर्स होते हैं जो आपके फैब्रिक के डेवलपमेंट में काम कर रहे होते हैं, और कुछ टेक्सटाइल इंजीनियर्स होते हैं जो बाकी सारा काम हैंडल कर रहे होते हैं। तो अदर स्कोप्स जो हैं अब हम वो जान लेते हैं। तो यार सबसे पहले हम बात करेंगे मेडिकल टेक्सटाइल इंजीनियर के बारे में। तो यार कोविड के टाइम पे कितने सारे मास्क है, किसी ने कहा कि यार N95 बेटर है, तो किसी ने कह दिया कि यार ये जो डेटॉल के मास्क है ये बेटर है, तो किसी ने कहा अरे हटाओ दोनों यार, हम तो रुमाल बांध के चल देंगे। तो ये जो जितने तरीके के फैब्रिक डेवलप हुए मास्क के लिए, आखिर ये कौन कर रहा था? तो ये कर रहे थे आपके मेडिकल टेक्सटाइल इंजीनियर्स। इसी तरीके से ये कोट्स और ग्लव्स के फैब्रिक्स को भी डेवलपमेंट का काम करते हैं। मेडिकल टेक्सटाइल इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उससे जो फैब्रिक्स से जो इफेक्ट होंगे, जो उस पर इम्पैक्ट होंगे डिफरेंट वेदर कंडीशंस पे, उसे भी स्टडी करने का। एक मेडिकल टेक्सटाइल इंजीनियर्स की एवरेज सैलरी इज अराउंड 3 लाख पर एनम। नेक्स्ट इज द प्रोडक्शन इंजीनियर। सो प्रोडक्शन इंजीनियर एक लौता ऐसा बंदा है जो स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक सारे प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन पर ध्यान देता है, उन्हें सुपरवाइज करता है। ये यार मिल के अंदर ही काम करता है, और मिल के अंदर रहकर ही ये कॉस्ट कटिंग एंड इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोसेस पे ध्यान देते हैं। इनकी भी यार एवरेज सैलरी इज अराउंड 3 लाख to 4 लाख पर एनम। इसके बाद आते हैं आपके ऑपरेशनल इंजीनियर्स। इन्हें सारी नॉलेज होती है यार कि कौन सा फैब्रिक कहाँ एक्सपोर्ट करना है, सेल्स स्ट्रैटेजीज, प्रोडक्शन प्लानिंग, और तो और जितने भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड फिनिश प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लॉजिस्टिक्स भी यही मैनेज करते हैं। इनकी भी सैलरी इज अराउंड 3 लाख to 4 लाख पर एनम। नेक्स्ट इज क्वालिटी कंट्रोल सुपरवाइजर। यार इनका तो नाम ही काफ़ी है, मगर इनका काम बहुत टफ है। अ क्वालिटी कंट्रोल सुपरवाइजर इंश्योर्स कि जो भी रॉ मटेरियल्स यूज हो रहे हैं, जो भी फिनिश प्रोडक्ट बन रहे हैं, इनकी पैकेजिंग बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कंज्यूमर्स को कोई भी कंप्लेन आए। द एवरेज सैलरी ऑफ अ क्वालिटी कंट्रोल सुपरवाइजर इज अराउंड 2 लाख पर एनम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द प्रोसेस इंप्रूवमेंट इंजीनियर। इनका काम होता है एक रिपोर्ट तैयार करना उन सारी प्रॉब्लम्स को लेके जो कि एक प्रोडक्शन प्रोसेस में आ रही है। उसके बाद ये पूरी टीम को इकट्ठा करते हैं और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें इंट्रोड्यूस करके उसके सॉल्यूशंस बताते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम से प्रोडक्शन प्रोसेस बिल्कुल स्मूथ हो सके और एक इफेक्टिव प्रोसेस बन सके। तो इनकी जो सैलरी है दैट इज अराउंड 5 लाख पर एनम। तो यार अब बात करते हैं स्किल्स रिक्वायर्ड बाय द टेक्सटाइल इंजीनियर। तो सबसे पहली स्किल जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है टेक्सटाइल इंजीनियर, वो है यार आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग क्यों? क्योंकि यार तुम्हारे अंदर ये काबिलियत होनी चाहिए कि तुम नए नए फैब्रिक्स को डेवलप कर सको, उन्हें कैसे कहाँ यूज़ करना ये सब सोच सको, उनका एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट होने वाला है या वो लोगों को कैसे फ़ायदा देने वाले हैं, ये सोचना तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसके बाद यार टेक्निकल नॉलेज। टेक्निकल नॉलेज से यार मेरा मतलब यार कोडिंग वोडिंग से बिल्कुल नहीं है कि तुम्हें कोडिंग वगैरह आनी चाहिए। टेक्निकल नॉलेज से मेरा मतलब है इंडस्ट्रियल प्रोसेस में जो तुम्हारी टेक्निकलिटीज़ हैं उनके बारे में तुम्हें अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। फिर इसके बाद यार कभी तुमने नोटिस किया है कि तुम्हारी मम्मी जब भी मार्केट जाती हैं तो वो कोई भी सूट लेने से पहले सबसे पहले क्या नोटिस करती है, क्या बारीकियां देखती है? यार ये होती है छोटी डिटेल्स, फिनिशिंग ऑफ द प्रोडक्ट। पूरा जो हमारा जो टेक्सटाइल मार्केट है वो उसका जो रेट है वो इन फिनिशिंग की वजह से काफ़ी इफेक्ट होता है। तो डिटेल एंड फिनिशिंग स्किल्स आर इंपॉर्टेंट इन टेक्सटाइल इंजीनियर्स। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो पेशेंस एक ऐसी स्किल है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यार देखो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एक ऐसी फील्ड है ना जिसमें जो भी रिसर्च वर्क होगा, हो सकता है कई बार तुम्हें जल्दी रिजल्ट मिल जाए, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स इनमें काफ़ी टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा देर तक ये चलता है, और कई बार ऐसा होता है कि हमें रिजल्ट नहीं मिलता। तो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सब्जेक्ट की नॉलेज। जो भी आपने इंजीनियरिंग के दौरान आपके सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उनकी डीप नॉलेज, उन जो नॉलेज है उसे कहाँ पे कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये सब एक टेक्सटाइल इंजीनियर को बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो यार अब मैं तुम्हें कुछ ऐसे टॉप इंजीनियर्स के बारे में बताता हूँ जिन्होंने इस फील्ड में बहुत कंट्रीब्यूट किया है। क्या तुम्हें पता है अमेरिका की पहली पावर लूम किसने बनाई थी? दैट वॉज पॉल मूडी। ही वॉज हिमसेल्फ अ टेक्सटाइल इंजीनियर, और इनकी ये मशीन फिर वॉल्टहैम की कॉटन मिल में भी यूज करी गई। जेम्स हेरग्रीव्स, यार हिस्ट्री की बुक में इनका नाम तो था मगर किस लिए था ये मैं भूल गया। हाँ, इन्होंने बनाई थी स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग का मैकेनिज्म बहुत फास्ट और एफिशिएंट हो गया था इनके इस डेवलपमेंट के बाद से। फादर ऑफ रेयॉन, काउंट हिलेरी डी शैडोनेट, द फादर ऑफ रेयॉन, जिन्होंने रेयॉन फैब्रिक बनाया था जो अभी तक पूरी दुनिया में सब यूज़ कर रहे हैं। लेटेस्ट नॉट टॉक अबाउट द टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज। तो यार टेक्सटाइल इंजीनियर को हायर करने वाली बहुत सी बड़ी कंपनीज हैं, जिनमें से कुछ नाम हैं रेमंड्स, रिलायंस टेक्सटाइल्स, फैब इंडिया, मुफतलाल डेनिम्स, ग्रेजिम इंडस्ट्रीज, सेंचुरी टेक्सटाइल्स। तो यार ये टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एक ऐसी ब्रांच है जहाँ पे आपके एक्सपीरियंस के साथ आपका पे स्केल बढ़ता रहेगा।
तो हो सकता है यार इनिशियली थोड़ा कम पैकेज मिले, लेकिन ट्रस्ट भी जैसे जैसे वर्क एक्सपीरियंस बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा, आपकी सैलरी इंक्रीज होती रहेगी। इनिशियल एक दो साल हो सकता है आपकी सैलरी 4 to 5 lakhs के बीच में रहे, बट जैसे ही आप 6-7 साल का एक्सपीरियंस ले लेंगे आपकी सैलरी 10 lakh पर एनम से भी ज़्यादा हो सकती है। इनकेस आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है आप एमटेक कर सकते हैं, और एमटेक करने के बाद आप सीनियर इंजीनियर या मैनेजर बन सकते हैं और पे स्केल और बढ़ा सकते हैं। अगर आपको टेक्सटाइल मार्केट में इंटरेस्ट है तो यार आप एमबीए कर सकते हो, एमबीए के बाद आपकी सैलरी और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो देखो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एक ऐसी ब्रांच है जिसका स्कोप आगे जाके भी बढ़ना है और अभी भी बढ़ ही रहा है, स्पेशली इन द कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट इतना हाई है। एक टेक्सटाइल इंजीनियर की जॉब है ये कि वो इस मार्केट को अपनी इन्वेंशन के थ्रू अपग्रेड कर दे। तो यार इस वीडियो में हमने तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया है, करियर व्यास का तो काम ही ये है कि तुम्हें सारे इनसाइट्स सारी इन्फॉर्मेशन दे दे ताकि तुम अपना डिसीजन सही तरीके से ले सको। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट अलॉन्ग विद योर फ्रेंड्स। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।